इंडियन मशीन है और दूसरी आपकी चाइनीज मशीन है। दोनों मशीनों में मैं आपको आज डेमो करके दिखाऊंगी, लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको दोनों मशीनों का कंपैरिजन भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपकी ये वाली मशीन आपकी कामयाब मशीन है और किस तरीके से ये जो मशीन है आपकी, इस मशीन में आपका बिजनेस डूब सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मशीन ले लिया और मशीन ये हीट हो चुकी है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पत्ता ले लिया है मैंने, इसके अलावा स्क्रबर इस तरीके से खोल के ब्लिस्टर के अंदर रख लिया है मैंने। डाई आपकी ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइयों के साइड में पिन भी लगी हुई है। इन पिनों से आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो शीट है एक ही जगह आपकी सेट हो जाएगी और ये आपकी शीट हिलेगी नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि कितने कम टाइम में ये मशीन आपका शीट तैयार कर देगी और कितने अच्छे तरीके से फिनिशिंग देगी। साथ ही साथ दूसरी जो ये आपकी चाइनीज मशीन है इसमें भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10 सेकंड की यहाँ पे टाइमिंग सेट कर ली है और ये जो दूसरी इंडियन मशीन है इसमें मैंने 3 सेकंड का टाइम सेट कर रखा है। अभी मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मशीन आपका काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र आपका 3 सेकंड लगने वाला है ये शीट तैयार होने में। और मशीन की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही हैवी क्वालिटी की आपकी मशीन होने वाली है। मशीन की प्लेट की थिकनेस आप देख सकते हैं और मात्र 3 सेकंड में ही आपकी पेस्टिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं मशीन की प्लेट जितनी हैवी है उतना ही अच्छा इसका काम होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए मात्र 3 सेकंड में आपका पत्ता तैयार हो गया। और फिनिशिंग की बात करूँ तो आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आई है, एक भी आपके इसमें रिंकल नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपका पत्ता बनके तैयार हो गया। साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं आपको चाइनीज मशीन का डेमो दिखाऊंगी करके कि कितना आपका 10 सेकंड का टाइम इस मशीन में लगने वाला है और किस तरीके से ये आपका पेस्टिंग करती है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट तैयार करती है। यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से 12 पीस का झूना ले लिया है और इस तरीके से झूने को ब्लिस्टर के अंदर खोल के रख लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके की शीट के अंदर मैं आपको ये डेमो करके दिखाने वाली हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट कर लिया है और ये मशीन जो है आपकी प्रेस करने के बाद मशीन लॉक हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके प्लेट की बात करूँ तो प्लेट काफ़ी हल्की प्लेट है। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का टाइम इसमें सेट कर रखा है। प्लेट जो है आपकी लॉक हो जाती है दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ पाता है। और टीन के चदरे की आपकी प्लेट होती है। अभी मैं आपको फाइनली प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ कि कैसा आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है और किस तरीके से इसकी पेस्टिंग हुई है। आप देख सकते हो साइडों में कितने ज़्यादा रिंकल आए हुए हैं और बबल बन रहे हैं। तो ये जो आपके रिंकल होते हैं दोस्तों, बेसिकली यही आपकी मार्केटिंग ख़राब करती है। एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद ये आपकी शीट प्रॉपरली ख़राब हो जाएगी, छूट छूट के निकलने लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका पत्ता छूट के निकल रहा है। अगर अभी नहीं भी निकल रहा, किसी तरीके से अभी पेस्टिंग हो भी गई है तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या हो सकता है 1 हफ्ते के बाद यह पत्ता आपका अपने आप छूट के निकल जाए और आपकी मार्केटिंग इसमें ख़राब हो। अब आप देख सकते हैं दोनों मैंने मशीनों में आपको लाइव डेमो करके दिखाया और आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करके बताया कि किस तरीके से कौन सी मशीन आपकी सक्सेसफुल है और कौन सी नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों, आप शीट देख सकते हैं दोनों मशीनों में मैंने ये डेमो करा है और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मशीन किस तरीके से काम करती है, किसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है और किसमें आपको आपका बिजनेस खराब होने वाला है। दोस्तों आपने इस तरीके की सेमी ऑटोमेटिक मशीन तो काफ़ी देखी होगी और बहुत लोगों ने परचेस भी करी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन मशीनों को जब आप परचेस करने जाते हैं तो कितने सारे हिडन चार्ज सामने आ जाते हैं, जैसे आपका पैकिंग चार्ज, कंप्रेशर का अलग से चार्ज, या फिर मोटर का चार्ज, डाई का अलग से चार्ज, या फिर बिल का चार्ज, काफ़ी सारे चार्जेस आपके बीच में आ जाते हैं इन मशीनों को खरीदते टाइम। ऐसे ही दोस्तों हमारी काफ़ी तरीके की मशीनें होती है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितनी सारी कितने तरीके की मशीनें होती है। तो मैनुअल में जो होती है बेसिकली आपकी दो तरीके की मशीन होती है, एक आपकी इंडियन मॉडल की मशीन होती है जो आपका काफ़ी अच्छा काम करती है, सेकंड जो है आपका चाइनीज़ मॉडल की मशीन होती है जो कि आपकी सक्सेसफुल नहीं होती। यहीं अगर मैं ऑटोमेटिक मशीन की बात करूँ तो ऑटोमेटिक मशीन में आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है और बेस्ट मशीन, ऑटोमेटिक में बेस्ट मशीनों की बात करूँ तो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक बाय एयर से चलने वाली मशीन, आपका हाइड्रोलिक मशीन और भी काफ़ी तरीके की आपकी मशीनें होती है ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए। दोस्तों आपने बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी होंगी जिनके पास सिर्फ दो छोटे छोटे कमरे होते हैं और वो अपने आपको बहुत बड़ी कंपनी बता रही होती है। आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, उनकी कंपनी में आपको सिर्फ 2 से 3 मशीनें देखने को मिल रही होंगी और 2 से 3 कार्टून आपको स्क्रबर या फिर उसका मटीरियल देखने को मिल रहा होगा। वो दो से तीन मशीनें अपनी बिल्कुल अच्छी खासी मशीनें रखते हैं जिसमें आपको डेमो करके दिखाते हैं और उसके बिहाव पर आपसे एडवांस लिया जाता है। 5,000-10,000 रुपये आपसे एडवांस लेकर वो आपका मशीन मटेरियल बुक करवाते हैं और आपसे 2 से 3 दिन
का टाइम मांगता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कहीं से भी मशीन लेते हैं तो कोशिश करिए कि हैंड टू हैंड आपका माल पैक हो, आपके सामने आपका माल ट्रांसपोर्ट पे निकले। आप वेट मत करो किसी का, किसी कंपनी पर ट्रस्ट करके एक हफ्ते का टाइम मत दो किसी कंपनी को, क्योंकि आज के टाइम पर कंपनियाँ एक हफ्ता बोलकर एक महीना लटकाती है, दो महीना लटकाती है, आपका पैसा फंसा देती है और वहाँ पे जो है आप इंतज़ार करते रह जाते हैं और इंतज़ार जो है आपका फ्रॉड में बदल जाता है। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप जहाँ से भी मशीनें ले वहाँ पे विजिट कर उनका पूरा प्लांट देखें, मैन्युफैक्चर प्लांट है या नहीं है, उनका कितना बड़ा गोदाम है, उनके पास कितना सारा रॉ मटेरियल है। प्लस अगर आप वीडियो कॉल पर लेते हैं तो वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें देख कर ही मशीन परचेज करिए। और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जहाँ से भी मशीन ले पूरी की पूरी आप कोशिश करें कि आपको मशीन मटेरियल सारा हैंड टू हैंड मिले, हैंड टू हैंड आपके सामने पैक हो, हैंड टू हैंड आपका ट्रांसपोर्ट पे लग जाए। दोस्तों आज मैं आपको मार्केट में होने वाले फ्रॉड के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से सस्ती मशीनें आपको बेची जाती है, सस्ती मशीनों के नाम पर आपके साथ फ्रॉड किया जाता है और किस तरीके से आपको चाइनीज मशीनें पकड़ा दी जाती है, किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने ये काफ़ी सारी मशीनें हैं, तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको इन दोनों मशीन में कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने मशीन यहाँ पे जो है ये इंडियन मॉडल की मशीन है, दूसरी जो है आपकी चाइनीज मॉडल की मशीन है। बेसिकली ये जो मशीन है आपकी, इसमें जो ये मशीन जो है ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए काफ़ी अच्छी और सक्सेसफुल मशीन मानी जाती है। सेकेंड ये जो दूसरी मशीन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपकी चाइनीज मशीन होती है जिसकी कोई गारंटी कोई वारंटी नहीं दी जाती है। प्लस ये जो मशीन होती है आपकी बहुत ही कम वेट की मशीन होती है, मात्र 20 से 22 किलो इस मशीन का वेट होता है, काफ़ी हल्की मशीन होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीन हिल रही है। इसके अलावा जो इसकी प्लेट होती है, प्लेट इसकी बिल्कुल खोखली प्लेट होती है, अंदर से बिल्कुल खाली प्लेट है, टीन के चदरे से मशीन बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इस मशीन की प्लेट आवाज़ कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके प्रेशर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मशीन यहाँ पर लॉक हो गई है। मैंने इसको जैसे प्रेस करा वैसे ये मशीन यहाँ पर आपकी लॉक हो गई। अगर ये मशीन लॉक हो गई तो इसमें प्रेशर कहाँ से पड़ पाएगा, आप खुद सोचिए, और आपकी पेस्टिंग कैसे हो पाएगी। वहीं अगर मैं इंडियन मशीन की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कितनी हैवी प्लेट है। प्लस मशीन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसको आप जितना प्रेस करना चाहे उतना आप इस मशीन को प्रेस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर डाल के आप अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पीछे मशीनें देख सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीनें हैं। इससे पहले मैं आपको इन दोनों मशीनों को डेमो करके दिखाने वाली हूँ, लाइव डेमो दोस्तों, कि किस तरीके से दोनों मशीनें काम करती है, कौन सी मशीन सक्सेसफुल है और कौन सी मशीन सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मशीन ले लिया और मशीन ये हीट हो चुकी है हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पत्ता ले लिया है मैंने, इसके अलावा स्क्रबर इस तरीके से खोल के ब्लिस्टर के अंदर रख लिया है मैंने। डाई आपकी ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइयों के साइड में पिन भी लगी हुई है। इन पिनों से आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो शीट है एक ही जगह आपकी सेट हो जाएगी और ये आपकी शीट हिलेगी नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी कि कितने कम टाइम में ये मशीन आपका शीट तैयार कर देगी और कितनी अच्छे तरीके से फिनिशिंग देगी। साथ ही साथ दूसरी जो ये आपकी चाइनीज मशीन है इसमें भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 10 सेकंड की यहाँ पे टाइमिंग सेट कर ली है, और ये जो दूसरी इंडियन मशीन है इसमें मैंने 3 सेकंड का टाइम सेट कर रखा है। अभी मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मशीन आपका काम करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र आपका 3 सेकंड लगने वाला है ये शीट तैयार होने में। और मशीन की क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही हैवी क्वालिटी की आपकी मशीन होने वाली है। मशीन की प्लेट की थिकनेस आप देख सकते हैं और मात्र 3 सेकंड में ही आपकी पेस्टिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं मशीन की प्लेट जितनी हैवी है उतना ही अच्छा इसका काम होने वाला है। आप यहाँ पे देखिए मात्र 3 सेकंड में आपका पत्ता तैयार हो गया। और फिनिशिंग की बात करूँ तो आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आई है, एक भी आपके इसमें रिंकल नहीं है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपका पत्ता बनके तैयार हो गया। साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं आपको चाइनीज मशीन का डेमो दिखाऊंगी करके कि कितना आपका 10 सेकंड का टाइम इस मशीन में लगने वाला है और किस तरीके से ये आपका पेस्टिंग करती है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट तैयार करती है। यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से 12 पीस का झूना ले लिया है और इस तरीके से झूने को ग्लिस्टर के अंदर खोल के रख लिया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके की शीट के अंदर मैं आपको ये डेमो करके दिखाने वाली हूँ। दोस्तों हमने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट कर लिया है और ये मशीन जो है आपकी प्रेस करने के बाद मशीन लॉक हो जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके प्लेट की बात करूँ तो प्लेट काफ़ी हल्की प्लेट है, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड का टाइम इसमें सेट कर रखा है। प्लेट जो है आपकी लॉक हो जाती है दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ पाता है और टीन के चदरे की आपकी प्लेट होती है। अभी मैं आपको
फाइनली प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ कि कैसा आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है और किस तरीके से इसकी पेस्टिंग हुई है। आप देख सकते हो साइडों में कितने ज़्यादा रिंकल आए हुए हैं और बबल बन रहे हैं। तो ये जो आपके रिंकल होते हैं दोस्तों, बेसिकली यही आपकी मार्केटिंग ख़राब करती है। एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद ये आपकी शीट प्रॉपरली ख़राब हो जाएगी, छूट छूट के निकलने लगेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका पत्ता छूट के निकल रहा है। अगर अभी नहीं भी निकल रहा, किसी तरीके से अभी पेस्टिंग हो भी गई है, तो तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद, या हो सकता है एक हफ्ते के बाद यह पत्ता आपका अपने आप छूट के निकल जाए और आपकी मार्केटिंग इसमें ख़राब हो। अब आप देख सकते हैं दोनों मैंने मशीनों में आपको लाइव डेमो करके दिखाया और आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी करके बताया कि किस तरीके से कौन सी मशीन आपकी सक्सेसफुल है और कौन सी नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों, आप शीट देख सकते हैं, दोनों मशीनों में मैंने ये डेमो करा है और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी मशीन किस तरीके से काम करती है, किसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है और किसमें आपको आपका बिजनेस खराब होने वाला है। दोस्तों अभी मैंने आपको दोनों मशीनों का डेमो करके दिखाया है कि किस तरीके से आपकी इंडियन मशीन कितनी अच्छी पैकिंग कर रही है, प्रोफेशनल बिल्कुल आपकी पैकिंग ऐसी हो रही है कि 6 महीने में भी आपका ब्लिस्टर नहीं छूटेगा। वहीं मैंने दूसरे मशीन का डेमो करके दिखाया जो कि आपकी चाइनीज़ मशीन है जिसका ब्लिस्टर आपका छूट गया, और आपको डेमो में मैंने प्रॉपर बताया कि इसकी प्लेट कैसी है और कितना टाइम ये मशीन आपका एक पत्ता तैयार करने में लगा रही है, लॉक हो जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेमो में बता रखी है। इसके अलावा दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन के नाम पर भी आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ऑटोमेटिक मशीन के नाम पर आपको सस्ती मशीन पकड़ा दी जाती है। ऑटोमेटिक मशीन के नाम पर आपने कुछ इस तरीके की मशीनें आपने मार्केट में देखी होंगी, जो मशीनें आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 हज़ार की आपको ये मशीनें मिल रही है। काफ़ी छोटी मशीन होती है ये, सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। और दोस्तों आपने ये भी सुना होगा कि 20 हज़ार की तो आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, प्लस इसमें जब आप मशीन खरीदने जाते हैं तो पीछे से काफ़ी सारे चार्ज इसमें आ जाते हैं, जैसे कि आपका पैकिंग चार्ज है, आपका बिलिंग चार्ज है, इसके अलावा आपका डाई का चार्ज अलग से लग जाता है। 1000 रुपये की डाई आपको 2000-1500 रुपये में बेची जाती है, मोटर का अलग से चार्ज मांगा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मशीन के साथ मांगी जाती है। पैकिंग चार्ज आपसे अलग से लिया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे हिडन चार्ज जो होते हैं आपको इस ऑटोमेटिक मशीन के साथ लिया जाता है। 20 हज़ार की जहां आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, वही ऑटोमेटिक मशीन आपकी 30,000-40,000 की पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें हम भी आपसे लेते हैं, लेकिन हम आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, लेकिन और कंपनियाँ जो है दोस्तों वो आपसे पूरे पूरे चार्जेस लेती है, पूरा पूरा आपका फ़ायदा उठाती है, आपसे ज़्यादा ज़्यादा पैकिंग चार्ज लेती है, आपसे कंप्रेशर के ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो दोस्तों आप कहीं से भी मशीन लेते तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपसे कोई हिडन चार्ज ज्यादा तो नहीं मांग रहा, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, आपको कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा, या फिर मशीनों के नाम पर, सस्ती मशीनों के नाम पर कोई आपको लूट तो नहीं रहा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप कहीं से मशीन लेकर फंस चुके हैं, अगर आपने किसी और कंपनी से मशीन ले ली है, आपको सिर्फ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। और मशीन की सर्विस की बात करूँ, अगर आपको मशीन की सर्विस की जरूरत है तो आप हमसे सिर्फ और सिर्फ मशीन की सर्विस भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका रॉ मटेरियल होता है। मशीन आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक बार खरीदना होता है, लेकिन मटेरियल जो है आपका हर हफ्ता हर महीना आपको परचेस करना होता है। तो आप अगर कहीं से भी मशीन लेते हैं, कहीं से भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो कंपनी आपको रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करे, आपको लाइफ टाइम रॉ मटेरियल मिले और आपका बिजनेस अच्छे से चले। दोस्तों अभी मैं आपको अपनी कंपनी विजिट कराने वाली हूँ कि कितना सारा हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा हमारे पास कितने तरीके के रॉ मटेरियल और ब्लिस्टर पैकेजिंग रॉ मटेरियल जो है आपको कभी भी कमी नहीं आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे कितना सारा आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कट्टे कट्टे आपके रखे हुए हैं, कस्टमर का जो माल है वो भी पैक हुआ पड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि पैकिंग भी हमारी हुई पड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे आप काफ़ी सारे शीटों का स्टॉक देख सकते हैं, ये आपके अलग अलग ब्रांडिंग की आपके शीट अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं तो हम आपको अपने ब्रांड का भी प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी खुद की ब्रांडिंग होगी, आपके खुद का नाम का प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। इसके अलावा जो है आपकी कटोरी अलग अलग क्वालिटी में आप यहाँ पर कटोरियाँ देख सकते हैं, आपके स्क्रबर के बॉक्स की क्वान्टिटी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर स्क्रबर के बॉक्स अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर ये कितना सारा ब्लिस्टर मसाले का ब्लिस्टर मसाले की शीट बॉक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। दोस्तों यही नहीं, हमारा जो ऊपर एक और फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, उसमें भी पूरा हमारा मटेरियल भरा पड़ा है, उसमें भी मैं आपको विजिट कराना चाहूँगी और आपको दिखाना चाहूँगी कि कितना सारा हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है।
इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम पैसा आपके पास, इतनी पूंजी आपके पास नहीं है कि आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर पाओ, तो हम आपके लिए एक ऑफर लेके आए हैं। आप हमसे ईएमआई पे भी मशीनें परचेज कर सकते हो, 0% इंटरेस्ट दर पे हम आपको मशीनें प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं और से मशीनें ले चुके हैं तो आप हमसे रॉ मटेरियल ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, टेक्नीशियन की जो सर्विस है वो आपको हमेशा प्रोवाइड होगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंडिया के अंदर आप कहीं से भी है, किसी भी कोने से, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो या तो विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन हमसे मशीन परचेज कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारी कंपनी दिल्ली में अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन में हमारी कंपनी है। आप आकर विजिट कर हैंड टू हैंड अपनी आंखों से देखकर सारी चीज़ें पैक करवा कर हैंड टू हैंड अपनी चीज़ें लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके, वीडियो कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे मशीनें परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।